सबसे पहले व्यूअर्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे एक ऑनलाइन स्टोर है जो तृप्ति आई स्टोर के नाम से है, जहां से आप निहायत अफोर्डेबल प्राइसेस में शॉपिंग कर सकते हैं। हत्ता कि आपको सेकंड हैंड ब्रांडेड क्लॉथ भी मिल सकते हैं, जिनकी असल में प्राइसेस 14,000 से 40,000 तक होती है, लेकिन आपको इस स्टोर से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में ड्रेस मिल सकते हैं। मजीद आपको मेरे डिस्काउंट कोड को यूज करने से 10-15% डिस्काउंट भी मिल सकता है। मेरा डिस्काउंट कोड है SP23। इस अकाउंट को फॉलो कर लिया जाए ताकि न्यू आने वाले आर्टिकल्स आप बआसानी देख सकें। तो व्यूअर्स, काम की जानिब बढ़ते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाएंगे ड्रामा सीरियल एक और मुनाफिक के उन अदाकारों के बारे में जो की जिंदगी में मियां बीवी हैं। ड्रामा सीरियल एक और मुनाफिक को ड्रामा सीरियल मुनाफिक का दूसरा सीजन कहा जाता है, लेकिन इसकी कहानी मुख्तलिफ है। ड्रामा सीरियल एक और मुनाफिक के लीडिंग कास्ट में शामिल हैं हिना अल्ताफ और असफर रहमान। इससे कबल ड्रामा सीरियल आतिश में इन दोनों को ऑन स्क्रीन कपल देखा गया था और इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद भी किया गया था। इनके जाने वाले मजीद आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी देखना चाहते थे। तो व्यूअर्स, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। कामरान जिलानी की बात करते चले, जो हमारे इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार कहलाए जाते हैं और इन्होंने हमारे ड्रामा इंडस्ट्री को काफी हिट ड्रामास भी दिए। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये शादीशुदा हैं। इनकी बीवी का नाम फातिमा कामरान है और इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और इनकी बीवी का शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं। मजीद हम बात करेंगे अमर खान की, जिन्होंने ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा से फेम हासिल किया। ड्रामा सीरियल दिले गुमशुदा में इनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया और आते ही फौरन हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में छा गयी। अमर खान हमारी इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा फरिया जबीन की बेटी हैं। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये अभी तक सिंगल हैं। हारून शाहिद की बात करते चलें, ये भी इस ड्रामे में एक मरकजी किरदार अदा करेंगे। हारून शाहिद शादीशुदा हैं। इनकी बीवी का नाम पलवशा है, जो एक पठान फैमिली से ताल्लुक रखती है। इनका एक खूबसूरत सा बेटा और एक बेटी है। हारून शाहिद को आप ड्रामा सीरियल तमन्ना में देख चुके हैं और हाल ही के ड्रामा सीरियल मुकद्दर में भी। हारून शाहिद ने हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत से हिट ड्रामास दिए और अब इस ड्रामे में भी एक मरकजी किरदार अदा करेंगे। ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा हिना अल्ताफ की बात करते चले, जो इस ड्रामे की लीडिंग कास्ट में शामिल है। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये शादीशुदा है। इनके शोहर का नाम आगा अली है, जो खुद एक टैलेंटेड अदाकार है। मजीद हम बात करेंगे हारिस वहीद की, जो ज्यादातर ड्रामास में नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं और इनकी अदाकारी को बहुत पसंद भी किया जाता है। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये शादीशुदा हैं। इनकी बीवी का नाम मरियम फातिमा है, जो खुद एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और ये दोनों एक साथ बहुत से ड्रामास में काम भी कर चुके हैं। हारिस वहीद इस दफा भी इस ड्रामे में एक नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। मजीद हम बात करेंगे असफर रहमान की, जो इस ड्रामे की लीडिंग कास्ट में शामिल है। असफर रहमान एक टैलेंटेड एक्टर और खूबसूरत मॉडल है। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये शादीशुदा हैं। इनकी बीवी का नाम फिया शेख है, जो शोबिज से हरगिज ताल्लुक नहीं रखती। असफर रहमान को आप बहुत से हिट ड्रामास में भी देख चुके हैं और अब इस ड्रामे में भी एक मरकजी किरदार अदा करेंगे। उम्मीद है कि व्यूअर्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हासिल करें।